उसको एक मेरे पास टेप रिकॉर्डर था, तो वो मैं जब ड्रामा चलता था तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेता था। अच्छा। तो जब ड्रामा ख़त्म हो जाता था तो मैं फिर उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की मदद से उसको अपने हाथ से लिखा करता था, हाँ और ये बगैर सोचे समझे कि मैं इसका क्या करना क्या है कर मुझे। रहे हैं मैंने। हाँ और मुझे नहीं मालूम था कि आने वाले वर्षों में मैं मतलब लिखा करूंगा, इस तरह से इसका आवाज हुआ। तो 2003 में फिर मैं वो, जब उससे पहले भी मैंने आफा जी की एक किताब छपी थी दूसरा दरवाजा, अच्छा तो उसका पहला अफसाना जब मैंने पढ़ा तिनके का सहारा, तो उस अफसाने के किसी किरदार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसमें एहसास की रौ इतनी शिद्दत से थी कि अफसाने को पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये अफसाना आपा जी ने मेरे लिए लिखा है, ओ हालांकि उसके किसी किरदार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। वो किताब लेके फिर मैं दास्तान सराय आपा जी के पास हाजिर हुआ ओ और उनसे ऑटोग्राफ लिया। तो फिर पहली दफा उन्होंने उस वक्त मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और अशफाक साहब भी इनके साथ मुलाकात करवाई। तो ये आपकी पहली ये मुलाकात मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, है। जबकि जब भी लाहौर आना होता था तो मानो आपा से मुलाकात हो जाती थी, और वो अशफाक साहब से पहली मुलाकात थी। तो उसमें वो फिर अपने किसी अफसाने का जिक्र कर रहे थे जो बाद में उनके अफसानवी मजमूए तनिश्मे होश अफजा में शामिल हुए, जो मिस्ट्री टाइप अफसाने हैं। वो उस मुलाकात में वो बता रहे थे शौक साहब के भी उनका कोई अफसाना था जो मिस्ट्री टाइप था, तो वो उनका कहना था कि भी वो काश्मी साहब को भी, अहमद अदीम काश्मी साहब को भी वो मुझसे पूछ रहे थे कि भी यार ये घड़ी पर टाइम आपने उसमें शो किया है तो उसका क्या मतलब है। मतलब ये है कि अशफाक साहब का अफसाना निगारी जो है ना, वो इस अंदाज की थी कि वो ये कहते थे कि सादा पैराए में आप शाहकार कहानी लिख सकते हैं, और उन्होंने लिखकर साबित भी किया है बगैर किसी जदीद तकनीक के। लेकिन उनकी उनकी किताब तनिश्मे होश अफजा में जो अफसाने शामिल हैं वो कोई मतलब तीसरी दुनिया की तरफ निशानदेही करते हैं, बिल्कुल ऐसे आपने यकीन पढ़े जी, होंगे। बिल्कुल देखते। तो वो यहाँ जो लोग अफसाने से मुतल्लिक थे, खुद भी अफसाना निगार थे, उनकी भी समझ में वो जी जी कम कम ही आए, बिल्कुल, बहुत फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक अफसाने थे। तो इसी तरह से एक दफा राह चलते पंजाबी अरबी बोर्ड के दफ्तर में मैं बैठा था एक दोस्त के पास, तो वहाँ दयाल सिंह कॉलेज के कोई उर्दू के प्रोफेसर साहब आए, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपने अशफाक साहब का सुबहाने अफसाने पढ़े? ओ तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने तो तो नहीं पढ़े। ये और इसी तरह से उनके बहुत सारे पसंदीदार हैं जो उनके ड्रामों के फैन तो हैं लेकिन किताबें नहीं पढ़ते। बिल्कुल अब प्रोफेसर साहब का तो उर्दू अदब से ताल्लुक था तो कम से कम उन्हें तो किताब पढ़नी चाहिए थी, ऐसे वो भी नहीं। तो मैंने कहा जी फिर आपने उनको बाबों तक महदूद कर दिया है, जबकि वो शख्सियत सिर्फ बाबों तक महदूद नहीं है, ओ उन्होंने बहुत शाहकार अफसाने लिखे हैं, ड्रामे लिखे हैं। तो जिस तरह से हमारे यहाँ ये माहौल है कंजर्वेटिव सा महदूद सोच का, वो हम हर एक को उसी सोच के गावी से देखते हैं। तो 2003 में फिर मैं बात कर रहा था कि जब मैं अशफाक साहब के यहाँ आया, तो उस वक्त फिर वो मुझे इब्तदाई तौर पर तो वो जो पब्लिशर है उनके वहाँ पर कंपोजिंग का काम मैं करता रहा कुछ अर्से। तो फिर जब जावी की ट्रांसक्रिप्शन हुई बिल्कुल तो वो फिर उसके बाद वो कंपोज हुए, ठीक। तो वो फिर उन्होंने उस वक्त तक जो है उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए वो भेजते थे अशफाक साहब को, तो वो फिर उन्हें जो भी उनकी उसकी एडिटिंग कर रहा होता था उसको बार बार जाना पड़ता था उनसे कुछ पूछने के लिए। बहुत सारे वो मुश्किल अल्फाज तो नहीं लिखते थे लेकिन कंटेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तो वही बता वही सकते थे। बता तो इसलिए फिर मैं मेरी मुस्तकिल ड्यूटी वहाँ दास्तान सराय में लग गई, बोले वहाँ पर उनका जो
मेन दरवाज़ा है उससे दाखिल होते ही किचन के बाहर जो खिड़की है उसके पास मेरा एक टेबल लगा दिया गया। तो मैं फिर वहाँ पे ही उसकी एडिटिंग करता, प्रूफ रीडिंग करता, पर जो चीज़ समझ ना आती वो अशफाक साहब से पूछते थे। बल्कि इब्तदा में तो मैंने अशफाक साहब से नहीं पूछा, आपा जी से पूछ लेता था। तो एक रोज़ जो है वो अशफाक साहब कहीं से बाहर से तशरीफ लाए, कोई डॉक्टर से चेकअप के लिए गए हुए थे। तो वो मैं बाहर गेट पे खड़ा था, तो मुझसे पूछा कि हाँ जी भाई आजकल क्या कर रहे हैं आप? हाँ। तो मैंने कहा जी कि वो जाविया की प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। तो फरमाने लगे कि अच्छा भाई आप तो यार हम पे थानेदार लग गए हो, आप हमारी गलतियाँ निकाला करोगे। क्या बात, जबकि ये जो उनकी आजी का मिजाज था, क्या बात। मैंने उनके हाथ से लिखे हुए मुसब्दात देखे हैं, खुद देखे, क्या बात है। पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक एक भी कटिंग नहीं थी, वो एक भी कटिंग नहीं। अच्छा,